हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। मैं हूं नीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने वीडियो में कासली की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो हमने कुर्ती काट ली है। कुर्ती काटने के बाद जो फैब्रिक बचा है उसे हमें कासली की कटिंग करनी है। और ये तीन नाप हमें चाहिए, चेस्ट, आस्तीन की लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई जितनी होती है उसे आपको 4 इंच तक, लगभग 4.5-4 इंच के लगभग ज़्यादा लेना है, यानी कि 14.5। मैंने इसको डबल फोल्ड किया। सबसे पहले हम स्लीव ले रहे हैं और स्लीव की जो लंबाई है वो लेनी हमें 14 इंच। ये आ जाएगी लगभग कोनी से थोड़ी सी ऊपर, 1 इंच ऊपर आएगी ये स्लीव। तो लंबाई हमने ले ली है 14 इंच और ये जो चौड़ाई है ये है 14.5 इंच। 10.5 था हमारे आगे की गोलाई बाजू की और उसमें मैंने आपको कहा 3.5 से 4 इंच तक ज़्यादा लेना होता है। तो ये 2 हिस्से कटिंग कर ली हमने। अब देखिए ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे, क्योंकि 14 और 14.5 लगभग बराबर का माप तोल हो जाता है। तो ये निशान मैंने लंबाई में लगा लिया है और ये सेंटर हो जाता है 14.5 का, बीचों बीच 7.25 इंच। यहाँ से हमें खराकी निकालनी है। मैंने निशान लगाया है 5 इंच पर। और यहाँ से हम काट लेंगे इसकी खराकी। ये हमारी स्लीव हो जाएगी और ये खराकी है। अगर आप थोड़ा सा लूज़ पहनते हैं तो एज इट इज़ रहने दें, और अगर थोड़ा सा फिटिंग चाहिए तो उसको हल्का सा कम कर लें, 1/2 इंच जितना। अब जो साइड में कपड़ा बचा है वो पीछे वाले बड़े फड़के जितना बचा है तो पहले वही ले लेते हैं। तो डबल फोल्ड कर लिया मैंने इसको और ये किया है 6 इंच में। और यहाँ से इसकी लंबाई मैंने ली है 8.5 इंच। ये 2 हिस्से हो जाएंगे। अब देखिए हमें लेना है टुकी। तो टुकी के लिए 5.5 इंच का चौकोर पीस चाहिए आपको। तो डबल फोल्ड किया है कपड़ा मैंने और 5.5 इंच में किया है। अब इसको हम तिकोना इस तरह से फोल्ड करके इसकी गोलाई देंगे नीचे से। अब जो गला निकला था उससे हम केवड़ा ले लेते हैं। आप चाहें तो कपड़े पैसे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से लेते हैं तो भी ले सकते हैं। तो 4.5 इंच और यहाँ से मैंने इसकी लंबाई ली है 4 इंच। आप 4 से 4.5 के बीच में रख सकते हैं। अगर आपकी कांसली ऊपर चढ़ती है तो आप इसको 4.5 लें। अब देखिए यहाँ से 4.5 था और यहाँ से हमें लगभग 2.5 इंच लेना है। ये थोड़ा तिरछा रहेगा तो फिटिंग जो है वो अच्छी आएगी। अब इसके पास में लगाने के लिए छोटा फड़का। तो ये तो लंबाई हमने 4 इंच ली है और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। आपको थोड़ी सी लंबी अगर कांचली चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इस 4 की जगह आप 4.5 इंच ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये जुड़ने वाला है। अब ये जो कपड़ा बचा है इससे बनाएंगे हम मगजी। तो इसके लिए एक सिलाई लगा ली हमने यहाँ पर। और ये जो मगजी है दोनों की एक साथ बनेगी, कुर्ती और कांचली दोनों के लिए, क्योंकि एक साथ ही कटिंग होता है 2 मीटर फैब्रिक में। तो ये बीचों बीच सिलाई लगाने के बाद में, ये इस तरह से बिछाने के बाद आप कोई भी एक हिस्सा कट कर सकते हैं। अगर आप कांचली सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें, स्टिचिंग में भी थोड़ा ध्यान रखें। ये देखिए ये मैंने मगजी ली है 2.25 इंच, क्योंकि मैं बिल्कुल बारीक मगजी लगाती हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी मोटा लगाना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा मोटी मगजी की फैशन नहीं है। तो ये अगर आप 4 टुकड़े कटिंग कर लेंगे तो आपकी मगजी जो है वो पूरी आ जाएगी, कुर्ती और कांचली दोनों में। और देखिए ये दोनों चीज़ें हमें जोड़नी है केवड़े के साथ में छोटा फड़का।
और उसके बाद में ये टुकी हमें जोड़नी है आधा इंच छोड़ते हुए, इसको आधा इंच हम कट करेंगे यहाँ से, तो उसको छोड़ते हुए ये टुकी यहाँ पर आएगी। उसके साइड में जुड़ेगा बड़ा वाला फड़का और इस बड़े फड़के में जुड़ेगी हमारी खराकी, खराकी का बड़ा हिस्सा, और ये हो जाएगी हमारी स्लीव। और ये स्लीव जो है यहाँ पर बीच में जुड़ेगी। तो ये किस तरह से जुड़ेगी, तो ये आप स्टिचिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से जुड़ने वाली है, ये गला बनने वाला है। तो हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने मगजी तैयार करनी है, तो मगजी दोनों के लिए इकट्ठी तैयार कर लें, कुर्ती और कांचली दोनों के लिए। देखिए किस तरह से तैयार करनी, आधा इंच कपड़े को बाहर के साइड में निकालना है, और एक बात ध्यान रखें जो गुणा है उसको बिल्कुल नहीं खींचें, और साथ ही मगजी को भी हल्के हाथों से फोल्ड करें, अदरवाइज़ उसमें झोल आता है। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल लूज़ हाथों से करना है आपको। अब देखिए सबसे पहले हम केवड़े पर गुणा लगा लेते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो, कई बार होता है कुछ औरतें नहीं भी लगवाती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और छोटे फड़के पर इसको हमें जोड़ना है। और इसको हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये टुकी का ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ पर भी आपको गुणा लगाना है, तो इस तरह से लगा सकते हैं, इतनी दूरी होनी चाहिए। और गुणे को आपको इसको बिल्कुल नहीं खींचना है, क्योंकि गोलाई आ रही है, अगर आपने गुणा खींच लिया तो वो फोल्ड नहीं होगा। तो जितना हो सके उस गुणे को आप लूज छोड़ दें, ताकि इसको फोल्ड किया जा सके। ये देखिए आधा इंच बाहर के साइड में आ गया है केवड़े का हिस्सा। अब पहले हम फोल्ड कर लेते हैं, ताकि हमारी कांचली में फिनिशिंग आए, अंदर से गुणा नहीं निकले, तो इसको फोल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। फोल्ड करने के बाद ऊपर वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए कोना जो है वो इस तरह से कटिंग करना है। अब देखिए बड़ा वाला फड़का यहाँ पर जोड़ने वाला है, तो ये सबसे पहले खराकी का बड़ा वाला हिस्सा ये इस तरह से आपको जोड़ना है। कांचली में सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो स्लीव जोड़ने की होती है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। और इस तरह से आप स्लीव जोड़ेंगे तो कांचली ऊपर भी नहीं चढ़ेगी बिल्कुल। अब देखिए जोड़ लिया हमने बड़ा वाला हिस्सा, अब यहाँ पर जुड़ेगा हमारा स्लीव। ये देखिए लेंथ है हमारे स्लीव की, हमने निशान लगा दिया, यानी कि यहाँ मगजी आने वाली है। ये बड़ा वाला हिस्सा और ये छोटा वाला हिस्सा जहाँ से हमने खराकी निकाली। तब देखिए फड़का जो है वो आपको इस तरह से यहाँ पर जोड़ना है, समझ रहे होंगे आप। फड़के का छोटा वाला हिस्सा हमारा स्लीव के छोटे वाली तरफ जुड़ जाएगा। और यहाँ पर हमें अब अपनी टुकी जोड़नी है। आप चाहें तो टुकी के साइड में भी गुणा लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और इसको फोल्ड करते हुए आप सिलाई चला सकते हैं। अब देखिए ये जो है जब हमने टुकी जोड़ी तो थोड़ा सा बाहर के साइड आ गया, तो आप इसको कट करके बिल्कुल लेवल में कर लें, बराबर कर लें। अब देखिए यहाँ पर हमें मगजी लगानी है स्लीव में। आप चाहें तो पहले लगा के रख सकते हैं स्लीव में मगजी। तो ये स्लीव में मगजी हो जाएगी। और इसी तरह हमने दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लिया है, और अब हम बीच वाली सिलाई लगा देंगे केवड़े पर। गले के लिए हमें मगजी लगानी है, तो मगजी को हमेशा आपको खींचते हुए लगाना है, वरना गला लूज़ हो जाएगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी।
तो इसे भी पहले फोल्ड कर लें अंदर से। और उसके बाद ऊपर वाली सिलाई। अब देखिए ये गला बन गया हमारा, और ये जो है लगभग एक ब्लाथ 6 अंगल तक होता है, तो गला हमारा एकदम बराबर होता है, ऊपर नीचे चढ़ता है। अब कॉर्नर बना लेंगे इसके, तो बीचों बीच यहाँ पर सिलाई लगा ली हमने। यहाँ जो टुकी वाला हिस्सा है यहाँ पर भी इसी तरह से ये कोना बन गया, यहाँ पर भी हमें इसी तरह से कोना बनाना है। अब देखिए स्लीव, तो स्लीव को हम फिटिंग कर लेंगे, फिटिंग नहीं है ये, पहली सिलाई लगाएंगे हम, फिटिंग हम बाद में कर लेंगे इसकी। अब देखिए मेरे पास मगजी थोड़ी सी बच गई है, गुणा लगी हुई है, तो इसका यूज़ कर लेते हैं। पीछे हिस्से में हम ये मगजी लगा लेंगे, और अगर आपके पास नहीं बची है तो आप ओरे पट्टी से भी इसको कर सकते हैं। तो दोनों तरफ इसी तरह से मगजी या ओरे पट्टी आप लगा सकते हैं। अब देखिए हम कैसे चुनट देते हैं, बड़े फड़के पर इस तरह से 2 सलवट और टुकी में 1 सलवट, इस तरह से सलवट देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, बगल के साइड में थोड़ा सा लूज़ रहता है, तो जिस तरह से हम ब्लाउज़ में डार्ट लगाते हैं तो उसी तरीके से आप ये डार्ट लगा सकते हैं बड़े फड़के पर। ये देखिए यहाँ पर ये डार्ट आ जाएगी, तो बगल में जो है वो बिल्कुल लूज़ नहीं रहेगा। एक बार आप लगा के देखें इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएगी एक छोटी डार्ट। तो ये फड़के पर हमें डार्ट लगा लेनी है ब्लाउज स्टाइल में। अब देखिए नीचे के लिए मैंने कपड़ा ओरेब लिया है, ओरेब जो है वो ज़्यादा अच्छा बैठता है। अब इसको आप नीचे वाली पट्टी को हल्के से खींचते रहें। अब बड़े फड़के में हमें चुन्नट डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने डार डाल ली है, और यहाँ पर छोटे फड़के में हम डालेंगे 1 सलवट। यहाँ पर भी छोटे फड़के में 1 सलवट आ जाएगी। अब हमें डोरी बनाते हुए चलना है, नीचे वाली डोरी जो है वो अटैच ही रहेगी, और ऊपर जो है वो हम अलग से लगाएंगे। अब हमने एक और डोरी जो है वो बना ली है ऊपर लगाने के लिए। और इसमें साथ ही लगा लिया मैंने फुंदे। अब देखिए स्लीव की जो है गोलाई थी हमारी 10.5 यानी कि 5.25, तो यहाँ पर हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो जहाँ हमारी खराकी है वहाँ तक सिलाई लगाने से यह फिटिंग हो जाएगा, उसके बाद भी अगर लूज़ रखे तो आप इसको आगे तक ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।